नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। हर कोई पैसा कमाना और अमीर बनने की भागदौड़ में लगा है। इनमें से कुछ लोग तो अपने मेहनत में सफल हो जाते हैं और जीवन के एक पड़ाव में आकर के चैन भरी जिंदगी से जीते हैं, जबकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि मेहनत करने के बावजूद भी गरीबी रह जाते हैं। उनका सारा जीवन गरीबी में ही बीतता है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे हमारे दिनचर्या में किए जाने वाले गलतियां जिसके बारे में बताऊंगा, और अगर हम इन आदतों को जीवन में छोड़ दें तो काफी हम तरक्की कर सकते हैं, धन वैभव से संपन्न बन सकते हैं, हम भी जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हम सरल से सरल उपाय बताए जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन उपायों को अपना करके आप भी धन वैभव से संपन्न बन सके। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के आपको ज्ञान भरी वीडियो हमेशा मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहला है सुबह का समय बर्बाद कर देना। जी हाँ दोस्तों, सुबह का समय जो होता है काफी कीमती होता है। ऐसे में हर इंसान को सुबह जल्दी उठ करके इस समय का सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठते और देरी से बिस्तर पर पड़े रहते हैं उनसे लक्ष्मी नाराज रहती है। ऐसा घरों में धन नहीं टिकता बल्कि दरिद्रता का वास हो जाता है। ध्यान दीजिए, जितना जल्दी हो सके सुबह उठने का काम करें, सुबह जल्दी उठ करके घुमा करें। दूसरा है साफ सफाई न करना। जो लोग सफाई में रहना पसंद नहीं करते उनके साथ भी गरीबी का साथ जीवन भर रहता है। जो लोग नियमित रूप से नहीं नहाते, दांतों को सफाई नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, घर आदि की साफ सफाई नहीं करते, उनका सारा जीवन या उनका जितना भी पैसा रहता है वो बीमारी में के इलाज जो होता है बीमारी की उसी में खत्म हो जाता है। साफ सफाई करने के बाद लक्ष्मी हमारे साथ रहने लगते हैं, क्योंकि पवित्र जगह का खोज हर कोई करता है। अगर आप पवित्र रहेंगे तो लक्ष्मी हमेशा आपके साथ में रहेंगे। अगर आप पवित्र रूप से नहीं रहते तो अलक्ष्मी आपके साथ में रहेंगे, आपके सारा जितना भी पैसा है सब बीमारी में खत्म हो जाएगा। तीसरा है खराब भाषा का प्रयोग। जो लोग बात बात पर झगड़े होते हैं, दूसरे को अशब्द बोलते हैं, उनके साथ में भी लक्ष्मी नहीं टिकती। ऐसे लोगों के साथ कोई उठना बैठना पसंद नहीं करते। तो ध्यान दीजिए, जितना ज्यादा हो सके अपने वाणी को सुधार करें। चौथा है अनहेल्दी डाइट लेना, यानी कि जो लोग जो मांस मछली या कुछ ऐसे अनहेल्दी डाइट लेते हैं जैसे कि जो पस्ता नहीं, तो इससे भी बीमारी का कहा जाए सामना करना पड़ता है, बीमारी आ जाती है। तो इससे हमारे पैसों का नाश होता है। ये हम जो मांस मछली ज़्यादा मसालेदार चीज़ों का सेवन करते हैं तो इससे भी हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। पांचवा है बुरे लोगों के साथ दोस्ती। अगर आप बुरे लोगों के साथ दोस्ती निभा रहे हैं और उनके साथ उठना बैठना है तो शोध में ऐसा पाया गया है कि ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो पाते और गरीब रह जाते हैं। उनके सारा पैसा गरीबी में ही, मतलब दोस्ती यारों में ही पूरा कहा जाए बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा लोग कभी सक्सेस नहीं हो पाते। छठवां है जो लोग पूजा पाठ या देवी देवताओं को नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पूजा पाठ देवी देवताओं को नहीं मानते ऐसे लोग भी निर्धन हो जाते हैं। तो कोशिश करें कम से कम सप्ताह में एक भी, जो भी देवी देवताओं को मानते हैं उसका वार होता है तो उस दिन आप पूजा पाठ करने की कोशिश करें। कम से कम सप्ताह में एक दिन अवश्य देवी देवताओं के लिए निकालें। तो ऐसा करने से लक्ष्मी हमारे साथ में रहने लगती है, विशेष करके हम जिस देवी देवताओं को मानते हैं उनकी कृपा हमें प्राप्त होना शुरू हो जाती है। तो सक्सेस होने के लिए आज हमने आप लोगों को 6 आदतें बताई हैं। 6 आदतों को अवश्य छोड़ें, आप बिल्कुल ही सक्सेस हो जाएंगे और आपके घर में भी धन वैभव की बढ़ोतरी होगी। तो आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरि ओम।